हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब मस्त हो गए, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी एकदम मज़े में हूँ। तो गाइस, इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम इवनिंग में ये वाला व्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि हम आए थे हनोल मंदिर। आप देख सकते हो, पिछले वाला व्लॉग देखा होगा, इससे पहले वाला व्लॉग। तो गाइस, आज हम इवनिंग से व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और हमने महाराज जी के दर्शन कर लिए हैं। अब जा रहे हैं हम यहाँ से खूनी घाट, और वहाँ की भी एक स्पेशल कहानी है और बहुत अच्छी कहानी है, तो हम वहाँ पर लेके चलेंगे। और वहाँ का जो है बहुत प्यारा व्यू है, और वहाँ के बारे में आपको मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में थोड़ी सी हिंट्स दी थी। तो हाँ, हम लेके चलेंगे वहाँ पे, और मेरे साथ है भाई आदित्य भाई, तो चलते हैं फिलहाल। चल भाई, किसकी कॉल है? कल रोडू जाना, दोस्त की कॉल था। रोडू जाना है तो टूर्नामेंट के लिए। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे एशिया का सबसे लंबा वृक्ष था, जो वहाँ पे समाधि है मतलब उसकी। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एशिया चीड़ महावृक्ष समाधि। तो ये इधर को है, इधर को जाना पड़ेगा। और ये अपने आदित्य भाई, आइए जनाब, आइए। गाइस स्टार्ट है ना, भगवान। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं वहां पे जहां पे एशिया का सबसे ऊंचा महावृक्ष, इसे महावृक्ष भी कहा जाता है, चीड़ का है ये बेसिकली, तो उसकी समाधि है। चीड़ का नहीं, देवदार का। तो गजब बेइज्जती है। उसके जो अंश है वो यहाँ पे है, तो ये देख सकते हो आप, अंदर लगाइए हमारे कैमरा मैन जी, ये देखिए, ये उसके अंश रखे गए हैं यहाँ पे। और आगे की जानकारी हमें वृक्ष के बारे में हमारे आदित्य भाई बताएंगे आपको। तो थोड़ा सा आदित्य भाई बताइए हमें, थोड़ी जानकारी दीजिए हमारी ऑडियंस को। ये एशिया का सबसे बड़ा वृक्ष था, जैसे आपने देखा देवदार का वृक्ष था ये। हाँ। ये जो बीच में दिख रहा है ना। हाँ। ये जो बीच में है। हाँ। ये इसकी जड़ तना है, तना है बीच जहाँ ये था। हाँ। ये समाधि है इसकी। अच्छा अच्छा। और इस पर नंबर चढ़े हुए हैं, अगर आप अंदर देखोगे। अच्छा, नंबर है इस पे। हाँ, है कौन से नंबर का पॉइंट है ये, जैसे अच्छा। हाँ, 20, ये 20 वो फर्स्ट नंबर का है जो है। अच्छा, वो फर्स्ट नंबर। ये कितना है? 18। तो मतलब ऐसे ही रखा गया, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये वैसे है। हाँ, 18, 17। ये हाँ, ये मतलब उधर से होगा, उधर से होगा ना। इधर से दिख नहीं सकता क्योंकि हम पहुंच नहीं रहे यहाँ पे। आपके पास चप्पल है तो क्या पता। क्या दिख रहा नंबर? तो थोड़ा दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा अगर दिख जाए अंदर। ये देखो, ये 6 नंबर का है, वो 5 है, उससे उधर वाला 4, फिर 3, फिर 2, और ये जो ये है बीच में, ये 1 है। ये इस तरह से इसका क्लॉक वाइज इसका सीक्वेंस रखा गया है।
और गाइस मैं आपको बता दूं, जो इसके और अंश है ना वो FRI देहरादून फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे म्यूजियम है उसमें रखा गया है यहाँ का। तो वहाँ पे सर्च करने आते हैं ना, रिसर्च करने आते हैं बाहर से टूरिस्ट आते हैं, तो वो इसलिए वहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत एकांत सा है और जंगल बहुत घना जंगल है, यहाँ पे ऊँचे ऊँचे पेड़ है यहाँ पे। बाकी आप देख सकते हो पेड़ के बारे में इसमें लिखा गया है जो है, तो बिल्कुल आप देख सकते हो। मीटर ऊंचा और गोलाई 2.70 मीटर। जो कोटिकनासर में है ना वो एशिया के सबसे मतलब मोटाई में वो है, कितना था यार 6.5 मीटर। तो हाँ ये ऊंचाई में था है। तो गाइस हमने देख लिया है जहाँ पे एशिया के सबसे लंबे वृक्ष की समाधि है वो देख लिया। बाकी यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है, आप देख सकते हो मेरे पीछे और ब्लॉग में आपने देख भी लिया होगा। बाकी बहुत ज़्यादा सफाई है यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे आता है वो कूड़ा करकट ना करें। बाकी यहाँ पे कूड़ा दान बना हुआ है, वहाँ पे कूड़ा डालें। एंड यार अब चलते हैं त्यूनी की ओर, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है और रात भी पड़ने वाली है, और ये हमारे आदि भाई भी आ गया है, और अब चलते हैं त्यूनी की ओर है। तो फिलहाल इस खूबसूरत जगह को बाय बोलते हैं और चलते हैं आदि भाई के साथ। चलो आदि भाई, क्या प्यारा जंगल है यार। तो गोली की रफ्तार से बिना हेलमेट के हैं, हेलमेट तो हमने भी नहीं लगाया है, लेकिन यार तब भी हम स्लो चल रहे हैं, कितना फास्ट चल रहा है। बहुत प्यारी जगह थी यार। हम मैं अभी उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में, और अभी पहुंच गया मेंद्रत। हम आए थे मुनिघाट से पीछे की ओर, बोल दिया था मैंने कुछ और ही, और ये है वहाँ पे महाराज जी मेंद्रत पाशिक महाराज जी यहाँ पे वास करते हैं। और आपने हमारे एक ब्लॉग छोड़ के जो उससे पहले वाला ब्लॉग था उसमें देखा होगा, यहाँ पे हम पूजा अटेंड करके आए थे। तो गाइस जो आपके सामने गांव दिख रहा है वो है प्रीतम सिंह जी का गांव, जो हमारे चकराता विधानसभा के विधायक है और चकराता के MLA है। तो उन्होंने उनके दूसरे परिवार की शादी है, तो इनवाइट करा है हमें भी, आदि भाई को इनवाइट करा है, तो हम भी जाएंगे वहां पे शादी में। और गांव का नाम क्या है? सेंज। तो हम जाएंगे यहाँ पे शादी में, और हमारा त्यूनी भी आ गया है 1 किलोमीटर रहा। गाइस देख सकते हो ट्रिपलिंग भी नहीं हो रही है, पता नहीं 4-5 बैठे हैं इधर इधर, ये देख। अरे यार मैं ओए मत करो, दिखा भाई खुद को, ये भी ड्राइवर हो। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके थे आदि भाई के रूम पे। एंड आपको बता दें, आपको पता ही होगा हम गए थे आज खूनीघाट, और बहुत मस्त सफर रहा। सीटियां बज रही है पीछे खाना बन रहा है, खाना बन रहा। तो आज बहुत मजा आया, क्यों है ना। और आपको बता दें यहाँ से खूनीघाट का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, एंड हनोल से है 5 किलोमीटर। हाँ तो आज का सफ़र बहुत प्यारा रहा, पहले हम हनोल गए उसके बाद खूनीघाट गए, और अभी
व्लॉग इसलिए एंड कर रहे हैं क्योंकि आदि भाई जा रहे हैं शादी में एंड ये आएंगे लेट वहाँ से, तब तक मैं सो जाऊँगा और मेरे को कल सुबह ही निकलना है 6 बजे, तो भाई को बाय बोलता है। ठीक है, तो आदि भाई बहुत मजा आया आपके साथ। चुप रहे ना बोलने, तो आदि भाई बहुत ज्यादा मजा आया। रुक जाना यार, ब्लॉग बनाने दे प्लीज यार, ये मैं एडिट कर दूंगा। नहीं मैं पीछे आ रही हूं, एडिट कर दूंगा भाई। तो बोल यार इसको, जा रहे हैं। तो हां भैया एडिट कर दूंगा। तो आदि भाई बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, और बहुत अच्छा, हमेशा आते रहेंगे। जब भी त्यूनी आएंगे सबसे पहले आप कॉल करेंगे। और भाई इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं त्यूनी वाले, जो भी ब्लॉग देख रहे हैं वो ध्यान रखें, ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो भाई का सपोर्ट करें खुल के, जो भी है जो मेरा ब्लॉग देख रहा है एंड जो मेरा दोस्त है और त्यूनी में रहता है, त्यूनी कॉलेज में, तो भाई का सपोर्ट जरूर करना। तो फिलहाल इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कल जा रहे हैं हम वापसी देहरादून या विकास नगर, तो कल के व्लॉग में ही मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।